हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? तो देखिए, आज की वीडियो में ये इस स्वेटर का डिज़ाइन बताने वाली हूँ। ये बच्चे का मैं इनर बना रही हूँ और ये वर्धमान की वूल है मेरे पास, जो बच्चों की डिब्बे में गोले वाली आती है, तो ये इस तरीके की है ये वाली। और यहाँ पे मैंने फंदे लिए हैं, ये मेरे बैक का और फ्रंट का तीनों एक साथ बना रही हूँ। बच्चे का इनर बना रही हूँ, 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बच्चे के लिए बना रही हूँ ये मैं। और ये मैंने 9 नंबर से बनाया है। और यहाँ पे मैंने ट्रिपल वूल करके ये डिजाइनर फंदे डाले हैं। और यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयाँ मैंने सीधे सीधे की दोनों तरफ से निकाली हैं ये। और यहाँ पे जो ये जो सीधी फली जो आ रही है, इसके बीच में जो मेरा गैप वो 4 फंदों का है। तो चलिए इसे बनाते हैं कि कैसे बनाना है ये। तो यहाँ पे मैं 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं मैंने यहाँ, और थोड़ा सा मैंने बेस बना लिया है। और ये उल्टी साइड पे है, ये इधर सीधी है और ये उल्टा। तो यहाँ से मैं ये क्या करूँगी, यहाँ 4 फंदे सीधे बुन लेंगे पहले। एक फंदा हमने उल्टा बनाना है, ये थ्रेड पीछे करके 4 फंदे, 3 फंदे मैंने 3 का गैप रखा है। ये थ्रेड अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, ये थ्रेड पीछे जाएगी, 3 फंदे सीधे बनाए हैं, फिर थ्रेड अपनी तरफ करके एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर थ्रेड को पीछे करेंगे, 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर थ्रेड अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर थ्रेड पीछे, ये 3 फंदे सीधे। ये थ्रेडों में मैंने पट्टी बना ली, एक तरफ हमारे 4 फंदे आए हैं, इस तरफ हमारे 3 फंदे आए हैं। तो इसमें तो मैं आप लोगों को एक सैंपल बता रही हूँ। तो आ जाइए इसकी सीधी सिलाई पे। सीधी सिलाई पे भी हमने क्या करना है, अगर आप लोग यहाँ पे एज स्टिच रखते हैं, जैसे फंदा उतार लेना या जाली के साथ ऐसे बनाना आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बुन के ले रही हूँ। 3 फंदे अब इधर से भी हम सीधे ही बनाएंगे। जो अब हमने उल्टी साइड से हमने उल्टा फंदा बनाया था, इधर सीधा है, तो हमने इसको ऐसे नहीं बनाना है, थोड़ा एक सिलाई हमने नीचे लेना, यहाँ पे इस वाले होल में हमने लेना है। देखिए यहाँ पे इस वाले होल में लेना है, यहाँ पे ही 3 फंदे सीधे, क्योंकि ये दोनों तरफ से हमने जो गैप है हमारा 3 फंदों का, दोनों साइडों से, क्योंकि बॉर्डर भी हमारा और बटन पट्टी भी मैंने यहाँ पे सीधे सीधे की रखी है, तो ये वाला भी हमारा सीधा ही आएगा। और 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। और जो हमारी ये फली आ रही है, फली को जो हमने सीधा फंदा इधर से उल्टा बनाया, इधर से सीधा, तो इसको एक सिलाई हमने नीचे लेना है, यहाँ पे ऐसे करके, ये फंदे फिर सीधे बनाएंगे, फिर फली वाले फंदे को थोड़ा नीचे से बनाएंगे, जब भी हमारी ये मोटी आएगी। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद फिर फली वाला फंदा आ गया, तो उसको हमने ऊपर से नहीं बनाना, एक फंदा मतलब कि नीचे से सिलाई के नीचे से डालना है। लास्ट के 4 फंदे हमारे सीधे, उल्टी साइड पे। यहाँ पे भी अब हमने क्या करना है, 4 फंदे सीधे, थ्रेड अपनी तरफ करके, जो इधर से जो हमने फंदा बनाया नीचे से बुना, सीधी फली आएगी, इसको हमने बैक से उल्टा बनाना है, थ्रेड पीछे, 3 फंदे सीधे, एक फंदा हमने उल्टा है बुनना है, उल्टा बुनना है हमने, 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, फिर थ्रेड अपनी तरफ करके
एक फंदा हमारा उल्टा, तीन सीधे, एक उल्टा, फिर तीन फंदे सीधे। पलट लीजिए। तीन फंदे सीधे, ये देखिए अब दिखने लग गया हमारा डिजाइन, देखिए। और यहाँ पे अब हमने देखो फली बनने लग गई है। और यहाँ पे यहाँ ना डाल के हमने इसके नीचे यहाँ पे डालना है, तो जिससे कि ये हमारी फली मोटी आएगी। तीन फंदे गैप के बुनने, तीन सीधे फंदे बुनेंगे, फिर फली वाला फंदा थोड़ा नीचे डालना है एक सिलाई, फिर तीन फंदे सीधे, देखिए कुछ डिजाइन हमारा ऐसे बनने लग गया है। लास्ट के चार फंदे आप उल्टे बना लीजिए, मतलब कि सीधे, सॉरी सीधे सीधे पलट लीजिए। ये चार फंदे सीधे, एक फंदा हमारा उल्टा, फली वाला फंदा जो सीधी तरफ से है, उल्टी तरफ से उल्टा, तीन फंदे सीधे सीधे, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, और तीन फंदे लास्ट के फंदे हमारे हैं ये सीधे। ये तीन फंदे सीधे बनाए और फली वाला फंदा आ गया अब हमारा, ये देखिए फली वाला फंदा है, तो इसको हमने यहाँ से नहीं डालना है, इसके नीचे से हमने डालना है। फिर तीन फंदे सीधे बनाने हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा डिजाइन दिखने लग गया है। ये जो मैं ये बना रही हूँ, ये मैंने थोड़ा 9 नंबर से बनाया, तो इसमें थोड़ा और मोटा आ रहा है। ये 10 नंबर से बना रही है तो थोड़ा पतला आ रहा है। अगर हमारा हाथ ज़्यादा टाइट है तो हमें थोड़ा 1 नंबर और बड़ा लेना। जैसे मैंने यहाँ पे 9 नंबर से बना रही हूँ, थोड़ा सा लूज और ढीला ढीला आ रहा, अच्छा लग रहा। बच्चों को ज़्यादा टाइट नहीं पहनाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 10 नंबर से बना रही हूँ। अगर किसी का ज़्यादा ही ढीला है, ज़्यादा ही, तो वो 10 नंबर लगा सकते हैं। अगर 9 में भी किसी का ज़्यादा टाइट आ रहा है तो 8, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये डिजाइन हमने ऐसे ही बुनते जाना है और हमारा आगे आगे डिजाइन बनता चला जाएगा। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये डिजाइन समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।